भाई, आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आज सावनी पूजा होने जा रहा है, तो देखिए उसके लिए दाल भुजा रहा है। मम्मी दाल भुज रही हैं और जानते हैं मम्मी से क्या क्या पूजा में लगता है। चलिए मम्मी, इसमें क्या लगता है ये पूजा में? हाँ हाँ, पूजा में, पूजा में लगता है रोटी दलही लगते हैं, दाल में मरीचा लगते हैं, जीरा फोरन लगते हैं, खीर बनता है, फिर पूरी बनते हैं। हाँ तो ये गाइज सावनी पूजा में सब सावन का पूजा, हम लोगों के जो कुल देवता होते हैं उसका पूजा होता है। सावन के अंतिम दिन होता है ना? अच्छा, सावन के अंतिम मंगल या बुध को होता है ना? मंगल को एक होता है और बुधवार को होता है। तो देखिए इसके लिए दाल फ्राई हो रहा है, ये जो रोटी के अंदर भरा जाएगा। और इसमें अच्छा मम्मी, इसमें फास्टिंग भी करना होता है? हाँ, देखिए तो सुबह से मम्मी अभी कुछ खाई नहीं है, और जब ये प्रसाद बन जाएगा और चढ़ जाएगा कुल देवता को, तो मम्मी इसी से मतलब अपना फास्टिंग तोड़ेंगी। देखिए नमक लग गया, ये पूरा भून के एकदम सूखा कर दिया जाएगा, तब जाके ये रोटी के अंदर भरने के लिए होगा। जैसे सत्तू भराता है, सत्तू पराठा होता है ना, ये मान लीजिए ये दाल पराठा हो गया, उसी तरह ये बनता है। तो सावनी पूजा का ये तैयारी हो रहा है, देखिए सब सामग्री रखा गया है। देखिए दाल धीरे धीरे अब भुना रहा है। इसमें दाल में क्या क्या लगा मम्मी? मरीचा, जीरा और नमक, तीन लगते हैं। अच्छा देखिए ये इसे बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है, अभी खुशबू भीन रहा है। ये एक ऐसा पूजा है जिसमें मतलब पूजा होने पर बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, क्योंकि इसमें नमक वाला चीज़ खाने को मिलता है। ये पराठा मिलता है दाल वाला, और खीर, और इसमें सब्जी भी बनता है जो चढ़ता नहीं है, खीर और पूरी चढ़ता है। देखिए तैयार हो रहा है ये, अगर ऐसे खाने पे आप खाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अभी पूजा है तो इसको खा नहीं सकते हैं हम लोग। जब पूजा हो जाएगा तभी खाएंगे। देखिए मम्मी ये हो गया है, अब लग रहा है हाँ हो गया। अच्छा तो इसको अब रख देंगे थोड़ा देर के लिए हवा में, तो ये धीरे धीरे सूख के भुरभुरी हो जाएगा और भड़क जाएगा। हाँ। तो इसको रख दिया जाएगा, अब में भर भर के पाकेगा। इसको देखिएगा आप कैसे भर के बनाया जाता है, मम्मी कैसे बनाती हैं। देखिए आटा अब गुथाएगा, मम्मी आटा सानने के लिए रेडी है। मम्मी इतना ज़्यादा आटा सना रहा है, कितना पूड़ी बनाना है? पूड़ी 7 जोड़ा बनाना। सावनी पूजा में 7 जोड़ा पूड़ी चढ़ता है, जैसे रामनवमी में 9 जोड़ा चढ़ता है ये, तो और इसमें 7 जोड़ा दाल वाला पूड़ी चढ़ता है। तो देखिए ये सब सामान रेडी हो रहा है, ये भरने वाला अंदर का, और ये अच्छा मम्मी सावनी पूजा आप कब से करती हैं? पहले मेरे सासू माँ करती थी। अच्छा, आप सासू माँ चली गई तब हम करने लगे। अच्छा देखिए अभी मम्मी कर रही हैं ये सावनी पूजा, बहुत सुहानी लगती हैं पूजा। ये सावन में अंतिम बुधवार को किया जाता है। आटा सना जाएगा, गुथ जाएगा, उसके बाद देखिए आटा रेडी हो रहा है, इतना ज़्यादा आटा देखिए। कितना आटा है, 1 kg होगा मम्मी? हाँ 1 किलो होगा। अच्छा 1 किलो में दाल कितना लगता है? दाल 250। अच्छा देखिए 1 kg में 250 ग्राम दाल लगता है, जो दाल रख दिया है ना ये धीरे धीरे सूख जाएगा, इसीलिए पहले इसको बनाया जाता है दाल को। चना का दाल से इसमें यूज किया जाता है चना का दाल। देखिए आटा रेडी हो गया,
बनेगा पूरी दाल वाला। देखिए ये दाल मम्मी हाथ से इसको भुकुन दी, ये पूरा हो गया मैं ही, अब इसका पूड़ी बनेगा। देखिए पूड़ी का लोई बन रहा है अब। देखिए अब इसमें दाल भराएगा। ये पूड़ी नहीं लग रहा है, पूड़ा है, बड़ा बड़ा बनेगा। देखिए इसका पूड़ी भी बड़ा बड़ा बनता है, तो रेडी हो रहा है पूड़ी। अच्छा ये फटेगा नहीं मम्मी? तो ये पूड़ी छान के नहीं बनता है ना? बनता है। अच्छा देखिए ये पूड़ी जो है ये तवा पर ही बनता है, ये वो छोटा वाला जो पूड़ी होता है उस तरह ये नहीं बनता है, ये तेल घोस के बनता है। देखिए कैसे तेल से घोस के बनेगा ये। देखिए पूरा कढ़ाई कठरा सब यहीं पे है लाइन में। अभी देख के मुंह में पानी आ रहा है इसको, लेकिन पूजा है तो खा नहीं सकते हैं अभी। 7 बजे पूजा होगा, 7 बजे के बाद हम लोग खाएंगे। देखिए आपको भूख नहीं लगा है अभी? देखिए दूसरा बिला रहा है। ये अगर हम लोग बनाएंगे तो मालूम चलेगा एक बन भी गया तब तक दूसरा तैयार भी नहीं रहेगा। देखिए इसको इस तरह से तेल लगाया जाएगा। ये शुरू से ही छाना नहीं जाता है मम्मी? घोस के पत्ते हैं तो ये इसी तरह रिवाज है, रिवाज है तो घोस के बनेगा। देखिए फूल गया ये, देखिए ये रेडी हो गए पूरी। अब इस तरह से अभी बाकी कितना बनना है? 7 जोड़ी 14 रोटी। अच्छा 14 रोटी बनेगा, खीर बनेगा, लौंग इलायची सब, साड़ी उड़ी सब, सिंदूर सब लगता है। ज़्यादा लाल होंगे देखिए। पहले मम्मी गांव में पूजा कैसे होता था? गांव में पूजा होता पूरा परिवार के देवता एक जगह, पूरे गांव का लगभग आधे गांव का। हाँ आज मैंने आधा गांव हमारा परिवार जितना होगा एक जगह देवता। तब सब लोग रोटी खीर सब ले आकर एक एक लाइन से चढ़ाते थे, आ तब साड़ी ओड़ी से तोप कर रात भर उतर ही रखा जाता है, आ तब बीने पर थाल टूटता है। देखिए तो रात भर मतलब एक जगह इतना थाक हो जाता होगा? हाँ उतनी थाक हो जाता है, रात भर रहता था। रात भर देवता माई के थाल नहीं टूट जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बाद में बदल गया, लोग अपने अपने घर पूजा करने लगे। सब लोग घर बना लिया, सब अपने घर देवता उठा लिया, लोग अब दिन में ही उठा के मतलब खा लेते हैं ना प्रसाद। हाँ प्रसाद सब खाते हैं और उसी लोग को बांटाते हैं, सब लोग को बांटाते हैं प्रसाद। अच्छा इसमें से बांटा हाँ, भी जाता है? हाँ सब लोग जिसको नहीं होता है उसको और बांटा जाए, लोगों को खिलाया जाता है ला करके। ये पूड़ी खीर ये गांव में पहले लोग ला कर बहुत ज़्यादा देते थे, और फिर मतलब अलग अलग टाइम पर होता था, तो मान लीजिए आधे गांव का एक समय हुआ और आधे गांव का दूसरे समय। तो अब इसी तरह करके
बाकी पूरी बनेगा। तो मम्मी अब लग रहा है पक गया। हाँ, सब रोटी बन गया। देखिए ये थाक, ये पूरी का थाक बन गया, ये लास्ट बन रहा है। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद खीर बनेगा। अच्छा, तो अब खीर बनेगा। खीर का भी तैयारी शुरू। देखिए